देखिए आप एक तो सांप मिला है और ऐसे मिल जाते नॉर्मल है। हां मिलते रहता है। फिर गाड़ी बंद हो गया भाई। देखो ये रास्ता कैसा है, आप लोग नहीं मान रहे ना, देखिए बहुत कठिन है यार। गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हो सब कोई। सो अभी हम लोग, कल आपको पता होगा, कल हम लोग सिमलीपाल कवर किया, ठीक है। अभी हम लोग ये इस होटल में स्टे किया था। आप लोग भी अगर यहाँ पे हो, ये लोकेशन बहुत ही अजीब लोकेशन है। हम लोग रात में जा रहे थे सिमलीपाल और जो सरंडा है उसके बीच में जो जगह पड़ता है वहाँ का बीच, ऐसे रैंडम लोकेशन में हम लोग कहीं भी रुक गए। माँ गेस्ट हाउस नाम का कोई लोकेशन है तो उस हिसाब से रुक गए वहाँ पर। सो गाड़ी वाड़ी पार्क था, देखे हमारे बंधु भी रेडी है, तो अभी हम लोग निकलेंगे। यहाँ से 100 किलोमीटर करीबन दूर है। इसके आगे हमें कोई भी शहर वगैरह कुछ भी नहीं मिला तो फ़ायदा नहीं था आगे जाने का, तो हम लोग ने गूगल में सर्च करके जो छोटा मोटा मिला उसमें रुक गया। सही था, कमरा काफ़ी अच्छा था, ठीक है। देख लीजिए इसका नाम माँ गेस्ट हाउस, ठीक है। तो अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करके देखते हैं। नाश्ता तो अभी नहीं करेंगे, 6 बज गए, 5 बजे निकलने का प्लान था बट गेट वेट खुला नहीं था, तो 6 बजे बज गया और अभी निकलेंगे। 6 बज चुके, आप देख सकते हैं 6 बजे सुबह निकलेंगे। काफ़ी अच्छा आई गेस रोड देखने को मिलेगा, काफ़ी फॉगी रोड रहेगा, आई होप सो, क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। गाड़ी भी पूरा भीग गया था ठंड से। हाय बोल दे भाई। हाय, निकलने वाले हैं अभी भाई, चलिए मिलते हैं रास्ते में, ठीक है। तो ऐसे करते करते अभी हम लोग ऑलमोस्ट चाईबासा पहुंच चुके हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, मतलब 60-70 किलोमीटर होगा यहाँ से सरंडा अपना। ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ढाबा टाइप में अभी खाने वाले, काफ़ी अच्छा है। हम लोग यहाँ पे रैंडमली रुके हैं देखने के लिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है लोकेशन, तो यहाँ पे सोचे थोड़ा रुक के फ़ोटोग्राफी कर ले ऐसे। तो सरंडा घुसने से पहले दो चीज़ है, आप अगर लाल जो मिट्टी अगर आपको दिखे और लंबे पेड़ दिख जाए तो समझ लीजिए आप बहुत करीब है। फ़िलहाल तो बहुत ही कम दिख रहा है इस टाइप का। मझगाँव पार्क है, हाँ मझगाँव पार्क है अभी, देखते हैं। अब आगे 20-30 किलोमीटर उनमें दिखना चालू हो जाना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन है, फोटो खींच लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे अभी खड़े हैं, अभी भी जहाँ हम लोग जाना सरंडा दूर है, बट ये लोकेशन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये आपका बॉर्डर पड़ता है, एक झारखंड का और एक उड़ीसा का, ठीक है। एकदम बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं, आप यहाँ पे मैप पे देखिए देख सकते हैं, राइट, झारखंड उड़ीसा, बिल्कुल हम लोग बॉर्डर पे चल रहे हैं एकदम, ठीक है। तो ये आपका हो गया झारखंड, ये वाला झारखंड हो गया, देख लीजिए, और जस्ट इधर पूरा आपका उड़ीसा है ना, खूबसूरत। रास्ते में जो गाड़ी चल रही है झारखंड उड़ीसा दोनों की गाड़ी, हाँ रास्ते में आपको झारखंड उड़ीसा दोनों की गाड़ी मिलेगी। ठीक है चलिए हम लोग रास्ते में मिलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा दिखता है कुछ, देखिए वहाँ का जो पॉइंट लोकेशन है वहाँ पे आयरन ओर का वहाँ पे खदान है, माइनिंग की जाती है, वहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं, वहाँ से होते होते जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ऐसा और कई जगह पर, कई पहाड़ों पर है, वो सब सारे पहाड़े आपको लेके चलेंगे और हाई पॉइंट पे लेके चलेंगे। हाँ। हाई पॉइंट ऐसा है कि कोई अभी तक नहीं गया है, और कोई अगर गया हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिए हमें। हाँ क्योंकि ये जो लोकेशन है ये सब कोई जानता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पिछले बार जो भी हुआ है ना, हम लोग ने खुद से खोज के यहाँ पे जो सिक्योरिटी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे BSF कमांडो कैंप्स है, सो वहाँ से हम लोग पूछ वगैरह के गए थे, बहुत मुश्किल से पहुँचे थे वहाँ। रास्ता तो एक्चुअली आप ब्लॉग देखोगे तो जस्ट हमारे सामने ही बना है वो रास्ता,
ठीक है, वो जेसीबी ने खुदाई करके बनाया था, तो उसमें ज़रूर से विजिट करेंगे क्योंकि हम लोग ने उसको फाइंड किया था और इस बार ट्राई करेंगे। उसका लोकेशन बहुत अच्छे से दिखा है, ठीक है, ये भी लोकेशन, यहाँ भी पहुँचने का लोकेशन बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ का लोकेशन भी हम लोग इस बार अच्छे से बनाएंगे। सुबह के 8 बज गए हैं। हाँ, सुबह के टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है, 8:30 बज गया। और हम लोग कोशिश करेंगे इवनिंग तक पूरा एरिया को घूमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर पॉइंट जा सके सारंडा का। हाँ, इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह भी आए कि मस्त घूमे पूरा, अब पूरा एरिया अच्छे से कवर करें, पिछले बार जो जो छूट गया था कसर इस बार पूरा करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, आपके इस गेट के हम लोग बाहर हैं, सरंडा वाले गेट के। ठीक है, यहाँ से अब बिल्कुल ही माहौल अलग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी देखिए कितना रेड है, ये पूरा आयरन ओर है। ठीक है, यहाँ पे आयरन ओर का माइनिंग होता है, वहाँ पे भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, आयरन ओर का माइनिंग होता है, उस लोकेशन पे भी जाएंगे, जो एक पहाड़ है जो हम लोग ने पिछले बार डिस्कवर किया था खुद से, उसमें भी ज़रूर से जाएंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ देखेंगे, अगर कुछ नया हम लोग डिस्कवर कर पाते हैं तो ज़रूर से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ आगे, अब जैसे ये आपको दिख रहा है राइट, ये सब बिल्कुल ही नॉर्मल पेड़ है, ये आपको जो पेड़ है बिल्कुल ही नॉर्मल पेड़ है। आगे जो आपको दिखेगा सिर्फ साल के जंगल दिखेंगे, साल जो पेड़ होता है उसके जंगल में दिखेंगे। आप जैसे हिस्ट्री में, आप पहले आप बुक्स में, ज्योग्राफी वाले बुक्स में भी पढ़े होंगे राइट, सरंडा के बारे में, तो वही आप, यही है वो जंगल जिसके अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। ठीक है, हमारा फेवरेट लोकेशन है ये। ठीक है, हम लोग दूसरे बार आ रहे हैं, पिछले बार हमें बहुत मज़ा आया था, इस बार देखते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कवर कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में, अब आगे आपसे मिलते हैं रोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे वाला एरिया है ना, वो कीरीबुरु है, कीरीबुरु हिल जो बहुत कॉमन है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग नहीं प्रेफर करेंगे जाना, अच्छा लोकेशन है बट वो ओवर कमर्शलाइज हो गया है, मेरे को मन नहीं है वहाँ जाने का। ठीक है, हम लोग जाते हैं जो लोकेशन ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं ना पूरा साल के पेड़ जो है यहाँ पे आपको चालू हो चुका है, एकदम अचानक से चालू होता है, पीछे आपको कोई भी ये पेड़ नहीं दिखेगा और यहाँ से अचानक से पूरा साल के पेड़ चालू हो जाते हैं। देखिए नज़ारे का मज़ा लीजिए। अभी हम लोग यहाँ गुआ माइंस के पार करते यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो लोकेशन पे, वहाँ पे थोड़ा चेकिंग होता है। ठीक है, आपको वहाँ से थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे कोई पैसे वैसे नहीं लगते, फ्री है अभी तो, अब आगे का पता नहीं। ठीक है, तो आपको वहाँ से आके गुआ माइंस, आप सरंडा जब घुसेंगे तो स्ट्रेट स्ट्रेट आइए, कहीं लेफ्ट राइट कुछ नहीं, गुआ माइंस आके यहाँ आके एक आपको लोकेशन मिलेगा, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट मिलते ही आप ये रास्ता में चढ़ जाओगे। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली वहाँ से किसी से पूछ लेंगे मिलिट्री पॉइंट किधर है, मैगजीन पॉइंट किधर है, मैगजीन पॉइंट बेसिकली यहाँ का नाम है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब सीधा बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ। देखिए चढ़ाई जो है बहुत कठिन होगी, वो फॉर श्योर हूँ मैं, बहुत कठिन चढ़ाई है। ठीक है, ये आप अगर ऊटी ये सब जगह गए हो उस लेवल का यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिल सकता है, मतलब उस लेवल का यहाँ पे चढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है बिल्कुल ही नया बना हुआ है। ठीक है, हम पिछले बार तो हमारे सामने ही खोद के बनाया जा रहा था, तो ये बहुत कठिन रास्ता है और यहाँ का मिट्टी भी जो है बहुत फिसलन भरा रहेगा, तो उस हिसाब से आप रेडी हो के आए, आप अपने टायर वायर जो होता है ग्रिप, जो बहुत लोग आ जाते हैं बिना ग्रिप के ही टायर में, तो वो सब ना करें, बिल्कुल अच्छे नए टायर लगा के आए, क्योंकि फिसलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर बारिश हो गया तो बहुत डेफिनेटली आप गिर जाओगे। ठीक है, तो ये रास्ते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे जैसे जैसे होता है अच्छा व्यू आता है मैं ज़रूर से कैप्चर करूँ। देखिए रास्ते को, देख सकते हैं हम लोग एक नंबर गियर पे चला रहे हैं और फिर भी गाड़ी चढ़ नहीं रहे, व्यू तो चालू हो गया है, आप देखते रहिए, लॉक वो बने रहिए, जरूर कुछ अच्छे ही दिखाएंगे आपको, वो लोकेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं वहीं जाना है हमें। देख सकते हैं बिल्कुल हम लोग करीब पहुंच चुके हैं,
जस्ट व्यू देखिए यहाँ से ये रास्ता जाता है, इसको हम लोग आप दोबारा से आएंगे बट अभी हम लोग आयरन ओर वाले रास्ते पे जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, अभी रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है तो मैं रिकमेंड ज़रूर से करूँगा आप लोग आए। पिछले बार तो बहुत मुसीबत भरा रास्ता था, अभी तो बहुत अच्छा हो चुका है रास्ता, तो ज़रूर से आप लोग आए इस जगह का मज़ा लें, बहुत अच्छा रास्ता है। बाल पूरा बिगड़ गया क्या? ब्लॉग बना सकते? हाँ ब्लॉग ही बना रहे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ देखो, अभी हम लोग वो कन्वेयर बेल्ट जो आपको स्टार्टिंग में नीचे से दिखाए थे, ट्राई करते जाने का, देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं। नौ बंडी का कन्वेयर बेल्ट था ये, एक्चुअली डिफरेंट कन्वेयर बेल्ट। हाँ मतलब वही है, परमिशन देखो मिल गया तो मज़ा आएगा, कोई रोकेगा तो नहीं आएगा, देखते हैं। आपका स्क्रीनिंग हो रहा था पहले इसके ऊपर, है ना, स्क्रीनिंग अभी हटा दिया है और डायरेक्ट जा रहे नीचे स्क्रीनिंग आ रहा है। हम लोग पिछले बार भी आए थे, पिछले 4 महीना पहले आए थे, तो वहाँ पे देख रहे बेल्ट को कट करके लोग लगा रहे थे, बेल्ट हाँ जॉइंट हो रहा था। हाँ, अच्छा प्रोसेस में था वो, प्रोसेस में था। अच्छा, आए थे लोग ऊपर भी गए थे। अच्छा, बंद पड़ा हुआ था, अभी आए दोबारा, अभी तो रनिंग में है। अभी ये रास्ता भी काफी बन गया, पिछले बार तो बन रहा था। हाँ ये तो हले में 2-3 दिन पहले बना है। और ये जो वहाँ पे ऐसा खुदाई जो चल रहा देख रहे हैं, मतलब ऐसा चलते रहेगा, चलते रहता मतलब नॉर्मल है। 300 पार पे रहता है, देख सकते हो कैसे अंदर पर यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। यहीं से आपका आयरन और पूरा साफ होता है, फिर नीचे जाता है, जो वो अंकल बता रहे थे आपको पिछले वीडियो का क्लिप में मिला, राइट। सो ऐसे ही है, यहाँ के लोग यार बहुत हेल्पफुल है। अभी इनसे बात हुआ, 15-20 मिनट बात हुआ इनसे, कैसे कैसे कहाँ जाना है सब कुछ बताया इन्होंने, देखते हैं अगर ढूंढ पाए तो। ये देखिए कितना सामने है माउंटेंस का, हम लोग देखिए यहाँ पे तो साफ मिल रहा है। मुझे अभी ये मालूम चला कि आप भी शौक हो जाओगे सुन के, ठीक है, मतलब आप आँख से ये पता ही नहीं कर सकते हो। ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, रुको ये वाला, अब इसका अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये पहाड़ नहीं है भाई, ये आपका ये जो आयरन और स्क्रीन होता है ना, आयरन और स्क्रीन होके जो आयरन और फाइनल होता है कि ये आयरन और अच्छा है। देखिए ये पूरा यहाँ तक, पूरा ऊपर तक पहाड़, ठीक है, ये पूरा रेंज ये आयरन और है भाई, ये टोटली आयरन और है, ये आयरन और डंप कर करके ये पहाड़ बना है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो जापान है ना, जापान इसको ये पूरा लेने वाला था, ये पूरा आयरन और आपका। बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे बात करने के बाद ही सब कुछ पता चला है, ऐसे पता नहीं चलता ये सब बात। मुझे क्या पता कि ये पहाड़ है कि आयरन हो रहा है, ये अभी मुझे पता चला, ये अभी भी बिकने के लिए रेडी है, ये अभी भी कोई भी आएगा बाहर देश की कंट्री चाइना या कोई भी लेके जाएगा। अभी चाइना के साथ तो पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जापान इसके अभी भी इसके पीछे है, जापान से बातचीत चल रहा है, ये अभी लेके जा सकता है, ठीक है। इस लेवल का काम है ये पूरा, टाटा अभी ये सेल है, सेल के थ्रू ये पूरा काम हो रहा है, अनबिलीवेबल, राइट। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अपना एक पहला पॉइंट पे, जंक्शन 5, ठीक है। ये एक्चुअली हिडन है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा। जो आयरन ओर वाली जगह दिखाए उसी से आप बात कीजिए, बोले कि ऊपर जाना है करके, वो लोग आपको बोल देंगे, वो लोग आपको रास्ता भी दिखा देंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे, चाहते हैं कि टूरिज्म बढ़े, ठीक है, लेकिन हमारे झारखंड से लोग नहीं आते, क्या कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है, आजा व्यू दिखा दे।
तो देख सकते हैं यहीं से हम लोग आए हैं और इधर गए थे अभी फिलहाल, ठीक है। मतलब अगर आप आओगे तो लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको जो अभी आयरन ओर वाला एरिया दिखा है वो मिलेगा, और अभी हम लोग स्ट्रेट वो रास्ता पकड़ के यहाँ जाएंगे जो कि उस पहाड़ के ऊपर जाएगा। राइट है ना, इंटरेस्टिंग। वो जो है ना पीला वाला एरिया, वो एरिया उधर भी, ठीक है। तो बहुत कठिन होने वाला है, ये आप देख सकते हो वो जो रास्ता वहाँ पे जा रहा है पीला कलर का दिख रहा है ना आपको, ऐसे कर जाके पूरा ऊपर तक जाएगा, ये सच में बहुत कठिन होने वाला है। इसका 2x 3x होने वाला है अभी, ठीक है। ये देखिए पूरा एरिया ये हम लोग कवर करने वाले हैं अभी आपके लिए। और उधर भी अगर आप देख, आपको वो डिफिकल्ट लगी है, देखिए अभी ऑफ रोडिंग कैसे चल रही है। देखिए मेरे को दिखा ना ये हैंडल, देखिए गाड़ी हैंडल ग्राउंड तक, देखिए ग्राउंड में कैसे परफेक्ट टच कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट। रास्ता देखिए अभी यहाँ हिटाची गाड़ी चलती है और बलेरो गाड़ी चलती है और उससे ज़्यादा पिकअप वैन सब चलती है, तो 4x4 है वही जाना, 4x4 हो जाएगा। हम लोग पैशन प्रो को ले जाएंगे, कितना बार भी हम लोग आते हैं हर बार हमें चैलेंजिंग ही लगता है, सेकंड बार ही आ रहे हैं। हमने सोचा कि फर्स्ट बार हमने किया एक्सपीरियंस है तो ये इस बार भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बार भी काफ़ी आगे पहाड़ आप देख सकते हैं क्या ऊँचाई पर है। देखिए आप पूरा मिट्टी मिट्टी, देखिए जो भी बोलो वर्थ है। पिछले बार ना और अच्छा था, पता है पिछले बार यहाँ पे पूरा आपको लकड़ी लकड़ी कटा हुआ था, उसका फोटोग्राफी बहुत अच्छा हुआ था। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, पुराना वीडियो देख लीजिए आप। चैनल में ज़्यादा वीडियो तो आता नहीं है, एक दो वीडियो ही आता है 6 महीने में आते, तो आप जाके देख सकते हैं। और सन्नाटा कितना साइलेंस देखिए। और अभी फिलहाल ये गाड़ी जो है ये बंद नहीं हुआ, मतलब हीट हो गया बहुत ज़्यादा, तो 2 मिनट रुकते हैं उसके बाद चलेंगे। चलिए वो लास्ट पॉइंट, फिर गाड़ी बंद हो गया भाई। देखो ये रास्ता कैसा है, आप लोग नहीं मान रहे ना, देखिए बहुत कठिन है यार। अभी शायद बोल्डर गिरा था ऊपर से, अपने आप लैंडस्लाइड होता है ना वो गिरा था, देखिए ऐसे ऐसे में हम जा रहे हैं। आइए जिसमें दम है आइए, थोड़ा बड़ा गाड़ी लेके आइए, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आसानी से चढ़ेगा, बट कठिन तो है, एक्सपीरियंस तो चाहिए, नॉन एक्सपीरियंस राइडर के लिए तो नहीं है मतलब आप समझ लीजिए नीचे से हम लोग आ रहे थे, आगे का चक्का ऑलमोस्ट उठा हुआ था, मतलब बिल्कुल हवा ही में था ऑलमोस्ट, इतना आप मान सकते हैं। और ये रोड पे रोड बना, ये सबसे कठिन है, ये पिछले बार हम लोग नहीं चढ़ा पाए थे, ठीक है। इस बार मैं अकेले कर रहा हूँ, डबल में तो गारंटी थी चढ़ने वाला, मैं अकेले कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये बहुत स्टीप है, ये बहुत स्टीप है, देखिए स्टैंड पर, स्टैंड और एक चढ़ाना है ऊपर में, पर वन मोर कार क्रैम्प हो गया, चला चला थोड़ा सा रेस्ट लेंगे फिर ऊपर, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट, कुछ उसको नज़ारा दिखाते उसके बाद। ले लो लो लो, रेडी अभी नज़ारा शुरू होने वाला है दोस्तों। देखिए अभी आप जो चीज़ देखेंगे, आप चौक जाएंगे देख के। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सर। देखिए ये सब हो सकते हैं, आप बकचोदी बोलो कुछ भी बोलो, पूरा गियर्स के साथ कीजिए, गिरने का पूरा मामला। मैं वहाँ गिरने वाला था, टू बी वेरी फ्रैंक, कितने भी एक्सपर्ट राइडर हमने बहुत ऐसे ऐसे कर चुके हैं, ठीक है। अब व्यू पे आते हैं, thank you.
गया मज़ा सिनेमैटिक देख के। ये है खूबसूरती झारखंड का, ठीक है। यहाँ पे आना बिल्कुल फ्री है, कोई एक रुपया आपको नहीं लगेगा, सिर्फ पेट्रोल का लगेगा भाई, और आपका नॉर्मल बाइक का जो भी खर्चा है वो लगेगा। बाइक टिप टॉप कीजिए और आ जाइए। यहाँ का आपको मैंने दिखा दिया कि कितना मुश्किल है चढ़ाई, तो मुश्किल है बट व्यू जो है लाजवाब। आप कोई भी सीज़न में आइए, गर्मी ठंडा बरसात हर बार आपको नहीं मिलेगा। आज जैसे पूरा फ्लावर वैली यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। पिछले बार यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, और आपके जो चील कौवे होते हैं वो आपको, बेसिकली चील कौवे नहीं, वो आपके यहाँ सर के ऊपर उड़ रहे थे, बहुत खूबसूरत लगा था। वो आपको पिछले ब्लॉग में आपको मिलेगा, आप देखिए उसको, ठीक है। तो नॉर्मली आप जब यहाँ पे आओ तो आप बिल्कुल रेडी आओ, पूरा गियर्स वगैरह के साथ आओ, ठीक है। पूरा सेफ्टी का मेंटेन कीजिए और आइए। आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल गया है। नॉर्मल किरीबुरू से आइए, अगर आप जमशेदपुर वगैरह से आ रहे हो तो चायबासा होते हुए आइए यहाँ पे, सरंडा मारिए गूगल में आ जाइए। नीचे वहाँ पे आपको पूछिए मैगजीन पॉइंट किधर है, मैगजीन पॉइंट आपको बता देगा कि यहाँ से जाओ, ठीक है, चेक पोस्ट से, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्किल्स के ऊपर अपने आप पर भरोसा करना है और यहाँ पे आना है। गिर सकते हो, कुछ भी सकते हैं, ठीक है। गिरोगे गियर्स रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से चिल करके आओ यहाँ पे, आइए मज़ा कीजिए। पिकनिक स्पॉट तो नहीं बोलूँगा, पिकनिक तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बट बहुत आराम आपको मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा शहर से दूर। यहाँ पे एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फेमस अभी है ही नहीं, इसको फेमस करने का काम आपका है। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा, जमशेदपुर वाले झारखंड वाले जो भी देख रहे हैं उनको तो शेयर करना ही है, ठीक है। उनके अलावा जो भी देख रहे हैं अगर शेयर कर दे तो ब्राउनी पॉइंट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं उस ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।